गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें 3 डिजिट्स है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिजिट है तो आप लोगों को 2 डिजिट वाला पहले इसको भूल जाओ, हमने 2 डिजिट जैसा किया वैसे ही करना है। क्या करोगे, इसको भूल गए हम लोग, इन दोनों को देखो आप लोग। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे करोगे, सेम प्रोसेस, डिवाइड, इन दोनों में से छोटा है उसको बाहर लिखेंगे, स्मॉलर नंबर को, बिगर नंबर को अंदर। ठीक है, 658 और 940। ठीक है, अब 658 बन जाए, यही आएगा। यहाँ पे हम लोग रफ का एक बना सकते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई करने के लिए। 658 2 जा 2 टाइम में देखो 8 2 जा 16 5 2 जा 10 और 1 11 6 2 जा 12 और 1 13। देखो ज़्यादा हो रहा है ना, तो हम 1 टाइम में ही लेंगे 658। अब इसको माइनस करो, 0 में से 8 नहीं जाता तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 3, 10 में से 8 गए तो पीछे हो जाएगा 2, 3 में से 5 नहीं जाते यहाँ हो जाएगा 13, और यहाँ हो जाएगा बेटा 8, 13 में से 5 गए तो 8, और 8 में से ये 2। अब ये वापस से डिवाइड, और ये मैंने बताया ना आपको 658। ठीक है, अब 282, तो आप देखो इसमें क्या करेंगे, 4 टाइम में करो, 4 2 जा 8 6 4 2 जा 8 4 8 जा 32 3 4 2 जा 8 9 10 11। देखो बहुत ज़्यादा हो रहा है 4 टाइम में, 282 को हम लोग करेंगे 2 टाइम में, 2 2 जा 4 8 2 जा 16 2 2 जा 4 और 1 5। देखो 2 टाइम में ये आ रहा है। अब 3 टाइम में देखते हैं, 282 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 8 3 जा 24 2 2 3 2 जा 6 7 8। देखो ये ज़्यादा हो रहा है तो हम 2 टाइम में लेंगे, 3 टाइम में ज़्यादा हो रहा है ना, 846 बड़ा हो रहा है इस नंबर से, तो हम 2 टाइम में लेंगे। 2 टाइम में हमारा क्या आंसर आ रहा है, 564। ओके, नाउ अगेन वी डू सबट्रैक्ट, 8 में से 4 गए तो 4, 5 में से 6 नहीं जाता तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 में से 6 गए तो पीछे क्या बचेगा, देखो 15 में से 6 गए तो आप लोगों को सबको सब्ट्रैक्ट करना आता है ना, 9। अगेन डिवाइड, 282 यहाँ आ जाएगा। अब 94 को मल्टीप्लाई, अब देखो मल्टीप्लाई करके टेबल बनाओ। अगर हम लोग करते हैं देखो 8 से, 8 4 जा 32 3 8 4 जा 32 8 9 जा 72 72 75, बहुत ज़्यादा हो गया। 94 को हम लोग करते हैं 3 से, 3 4 जा 12 1 9 3 जा 27 और 1 28। देखो पूरा चला गया 3 टाइम में, तो देखो यहाँ हम लोग करेंगे 3 टाइम में ये पूरा रिमाइंडर खत्म। अब देखा जाए तो हमारा 94 आया, समझ में आई आपको। लेकिन हर बार तो हम लोग 94 लिख देते थे, बट हमारा एक ये वाला डिजिट बचा है, आप लोगों को पता हो तो, क्योंकि हमने इन दोनों को सॉल्व किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज हमारा एक और डिजिट बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 94 को यहाँ लिखेंगे बेटा, ये 94 और ये वाला डिजिट यहाँ लो, समझ में आई आपको। ये बचा हुआ था ना हमारा 1128, इसको हम एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे। अब 94 की टेबल बनाओ, 94 1 जा 94 94 2 जा, हमने नहीं लिखा है, ये तो 3 टाइम में है, 94 2 जा क्या होता है, देखो 94 2 जा 4 2 जा 8 9 2 जा 18। देखो ज़्यादा हो रहा है ना बेटा, ज़्यादा हो गया, तो हम क्या लेंगे, 94 1 जा 94। अब क्या हो जाएगा, 2 में से 4 जाएगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ क्या आ जाएगा 0 यानी 10, तो 4 में से ये 8, यहाँ पे 10 1 188। अब 188 देखो कितने टाइम में आ रहा है, पूरा गया कि नहीं गया, गया कितने टाइम में गया, 2 टाइम में ये हो गया हमारा, यानी 94 का डिवाइड इसमें भी पूरा गया और इसमें भी पूरा गया, तो हमारा जो आंसर है वो जो होगा वो 94। समझ में आई आप लोगों को, तो अभी हमने ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। आपको ये फर्स्ट यानी फर्स्ट का ए और सेकंड का भी ए आपको खुद को करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं सी पार्ट कराऊंगी इसका, ठीक है, सी क्वेश्चन।